रोजी रोटी की तलाश में घर छोड़कर दूसरे देश में रहने वाले लोग किस कदर अपनी मिट्टी और लोगों से जुड़े होते हैं, इसकी वानगी बीते शुक्रवार को दिखी। दुबई के गिफ्ट सिटी में हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जुटे थे। लोगों के मनोरंजन के लिए भोजपुरी गाने बजाए गए थे। हर कोई भोजपुरी फिल्मों की आइटम क्वीन सीमा सिंह का इंतजार कर रहा था। जी हाँ, भोजपुरी जगत की जानी मानी डांसिंग क्वीन यानी सीमा सिंह भोजपुरी सिनेमा में अपनी हॉट अदाओं की वजह से खासा चर्चे में रहती हैं। पर सीमा अपने डांस के साथ कई और चीज़ों के लिए भी जानी जाती हैं। आपको बता दें, लोगों का इंतजार तब खत्म हुआ जब पिंक ड्रेस में सीमा सिंह स्टेज पर आई। सीमा ने माइक थामा और भोजपुरी भाषा में सभी लोगों से हालचाल पूछा। काफी अरसे बाद किसी स्टार के मुंह से अपनी बोली सुनने पर दर्शक रोमांचित हो गए और सीमा ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया और पास जाकर फोटो खिंचवाई। तो वहीं सीमा खुद भी इस लम्हे को अपनी यादों में सजो कर रखना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने फैंस के साथ दर्जनों सेल्फी ली और सीमा यहां यूपी एंड बिहार नाम के एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने आई थी। जानकारी दे दें कि ये रेस्टोरेंट बिहार व उत्तर प्रदेश के लोगों के पसंद को ध्यान में रखकर खोला गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से जूही राय की रिपोर्ट।